स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आयुष और आज हम इस वीडियो में देखने वाले द टॉप 5 मार्वल मूवीज दैट यू मस्ट वॉच, यानी मार्वल मूवीज। अगर आप मार्वल के फैन हो तो आपको ये 5 मूवीज जरूर देखने चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मूवी है आयरन मैन। और हमारे आयरन मैन तो सबको पसंद है और आयरन मैन की तो दिल में अलग ही जगह होगी। तो आयरन मैन मूवी जो कि 2008 में रिलीज हुआ था और वो MCU का फेज 1 का पहला मूवी था, तो वो मूवी भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको देखनी चाहिए। एक्शन सीक्वेंसेस मस्त है और RDJ यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की उस मूवी में। और आयरन मैन और उसको तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता आयरन मैन के रोल में, तो सबको पता ही है। तो वो मूवी रिकमेंड करता हूँ देखने के लिए, ये मेरी भी अच्छी, मैंने भी मूवी देखा है, अच्छा मूवी है, तो आपको भी मूवी देखना चाहिए। तो द सेकेंड मूवी इज अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर थोड़ी इमोशनल मूवी है लेकिन आपको देखनी चाहिए, मतलब अच्छा मूवी है। और वो एवेंजर्स का पहला मूवी है जो कि $2 बिलियन पहुंचा था, तो वो भी अच्छा मूवी है। और उसमें थानोस आता है, थानोस पता है इज द विलन, ट्रेलर में भी देखा ही होगा आपने, तो वो मूवी भी अच्छा है, तो आपको वो भी देखना चाहिए। मुझे वो मूवी पसंद आई। तो द थर्ड मूवी इज अवेंजर्स एंड गेम। एवेंजर का 4th मूवी है और वो फेज 3 का 2nd लास्ट मूवी है, लास्ट में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आता है और फेज 3 का लास्ट मूवी है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप एवेंजर्स एंड गेम भी देखिए, वो भी बहुत ही अच्छा मूवी है। तो एवेंजर्स एंड गेम तो ये भी एक अच्छा मूवी है, तो मैंने भी मूवी देखा है। लेकिन एक नोटिस ये है कि आपको पहले इन्फिनिटी वॉर देखना पड़ेगा एंड गेम देखने से पहले। तो सबसे पहले इन्फिनिटी वॉर देख लीजिए, उसके बाद एंड गेम देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मूवी कनेक्टेड है, स्टोरी आपको नहीं बोल सकता, मूवी का मजा खराब हो जाएगा। तो द 4th मूवी इज स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। फार फ्रॉम बहुत ही अच्छा मूवी है, स्पाइडरमैन का पहला मूवी जो कि $2 बिलियन पहुंचा था, अच्छा मूवी है, आपको देखना ही चाहिए। तो वो मूवी में पीटर पार्कर की ट्रिप पे जाता है, उसका ट्रेलर देख लेगा, पता चल जाएगा आपको। पर अगर आप इंडियन है तो हिंदी ट्रेलर भी देख सकते हो, तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो ये अच्छा मूवी है। तो ये इंडिया में रिलीज़ हुआ था, इधर जुलाई में रिलीज़ हुआ था, मुझे याद नहीं है डेट। तो ये मूवी मैंने भी देखा है और मेरा फेवरेट एवेंजर भी स्पाइडरमैन ही है। आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे कि मैंने बहुत सारे स्पाइडरमैन गेम्स खेले, तो आज मैं कुछ गेमिंग का वीडियो नहीं कर रहा, आज सोचा कि कुछ अलग सा वीडियो करूं। तो ये भी अच्छा मूवी है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, तो आपको इस मूवी को भी देखना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, मुझे तो बेस्ट स्पाइडी मूवी लगा। और टॉम हॉलैंड भी बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया था इस मूवी में, तो टॉम हॉलैंड के लिए भी हैट्स ऑफ। तो द नेक्स्ट मूवी एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट मूवी, तो जो वो भी मुझे बहुत पसंद आई, तो उस मूवी का नाम है मार्वल्स द एवेंजर्स, यानी एवेंजर्स पार्ट 1 है। तो ये भी अच्छा मूवी है, ये MCU के फेज 1 का लास्ट मूवी है, तो ये थोड़ा एवेंजर्स का पहला एवेंजर्स मूवी है MCU का। तो ये भी अच्छा मूवी है बहुत, तो इसमें बहुत ही अच्छा, इसमें सारे एवेंजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, ब्लैक विडो और भी कौन और हल्क भी है, तो इसमें ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो एवेंजर्स ये 2012 में आया था और ये मूवी भी बहुत ही अच्छी है, आपको ज़बरदस्त मूवी है, एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है इसका, उसके स्कोर्स भी अच्छे हैं, तो आपको देखना ही चाहिए। मैंने ये तो मेरा फेवरेट एवेंजर मूवी है, नहीं मेरे को सारे ही पसंद है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलेगा मत, और चैनल और सबको शेयर करना तो बिल्कुल भूलेगा ही मत। तो मैं बोल देता हूँ कि ये कहाँ आप अवेलेबल देख सकते हो, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम प्राइम वीडियो पर, और जहाँ बाकी चारों जो मैंने मूवीज़ बोली वो चारों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो आपको और भी कोई मूवी पसंद, सारे मार्वल मूवीज़ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मिल जाएंगे, और आपको अगर आपको सारे स्पाइडरमैन मूवीज़ देखने हैं तो आपको प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन स्पाइडरमैन होमकमिंग आपको MX प्लेयर पे मिल जाएगा, नहीं तो नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना। So thanks for watching. Bye-bye. Stay home. Stay safe. Bye-bye.